हाय गाइस, मेरा नाम है पंकज सा और आप देख रहे हैं डीजी सा ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है उसे हम चेंज करने सीखेंगे। लाइक जब भी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे वू कॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस पे ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ होता है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप उस ऐड टू कार्ट वाले बटन को हटाकर उसके जगह पर कोई अपना कस्टम बटन लगाएं, लाइक इनरोल नाउ का या फिर बुक नाउ का या फिर डोनेट नाउ का, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं कि हम इस बटन के टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइक ऐड टू कार्ट की जगह पे हम कुछ और कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। नाउ ये देखिए, अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिएगा उसके बाद आप इस डैशबोर्ड पर आ जाइएगा। यहाँ डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ अपीयरेंस पर हावर करना है। अपीयरेंस पर हावर करिएगा तो आपको यहाँ पर एक थीम एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको जाकर के क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट थीम टू एडिट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी अभी आपका करेंट थीम है जिसे अभी आपने अपने वेबसाइट पर अप्लाई कर रखा है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना, हमारे केस में यही है OCNWP जो कि अभी खुला हुआ है। इसके बाद अब आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ आपको ये जो functions.php दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। functions.php पर क्लिक करते ही अब आपका यहाँ पर functions.php का जो भी कोडिंग है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा कोड एडिटर पे, और फिर आप यहाँ पर अपने तरफ से कोई भी कोड यहाँ पर एडिट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पर एक छोटा सा स्निपेट ऐड करेंगे और ये स्निपेट का काम यही रहेगा कि अभी हमारे ये जो प्रोडक्ट्स पेज पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ऐड टू कार्ट का बटन ये लिखा हुआ है, हमें इसे चेंज करके यहाँ पर इनरोल नाउ का बटन देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अभी एक स्निपेट को ऐड करेंगे। इस स्निपेट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाना होगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा वेब पेज खुल जाएगा। देखिए हमारा ये ब्लॉग है जिसका टाइटल है WooCommerce हाउ टू चेंज ऐड टू कार्ट बटन टेक्स्ट फ्रॉम वर्डप्रेस। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नॉर्मली यहाँ पर आकर के इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। देखिए अगर आप सिंगल प्रोडक्ट पेज में से ऐड टू कार्ट वाले बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला टेक्स्ट को कॉपी करना होगा। सिंगल प्रोडक्ट पेज यानी कि देखिए लाइक जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खोलते हैं तो उस पर देखिए यहाँ हमें ये जो ऐड टू कार्ट वाला बटन शो होता है, अगर आपको इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो इसके लिए आपको ये फर्स्ट वाले स्निपेट को कॉपी करना होगा। और अगर आप ये प्रोडक्ट जहाँ पर आपके सारे के सारे प्रोडक्ट शो करते हैं इस वाले पेज से अगर आपको ये बटन को चेंज करना है तो इसके लिए आपको ये सेकेंड वाला स्निपेट को कॉपी करना होगा। और इन केस अगर आपको ये दोनों का दोनों चेंज करना है तो उस केस के लिए आपको ये थर्ड वाले स्निपेट को कॉपी करना होगा। चलिए हम इसे यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम वापस से अपने थीम एडिटर पर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर थीम एडिटर पर आने के बाद यहाँ पर हमारा functions.php लोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। देखिए यहाँ पर हम सबसे नीचे पर आ जाएंगे। सबसे नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर एक दो बार एंटर प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने PHP वाले कोड को यहाँ ला करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बस एक चीज़ को हमें चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमने बुक नाउ वाला जो दे रखा है बटन, इसे हमें चेंज करके हमें वो यहाँ पे लिखना होगा जो भी हम उस बटन पे शो करना चाहते हैं। लाइक हमारे केस में हम यहाँ पर इनरोल नाउ शो करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर इनरोल नाउ लिखेंगे। ओके, लाइक देखिए हमारे ये जो ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पर भी नोट करके यहाँ दिया हुआ है, प्लीज़ चेंज बुक नाउ टेक्स्ट टू योर डिजायर्ड वन सच एज बाय नाउ और इनरोल नाउ इन द एवब कोड। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंगली चलिए हम यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं इनरोल नाउ पे। ओके, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो जाने के बाद बस हमें यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ ये फाइल को अपडेट कर देगा नए वाले PHP कोड को। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर मैसेज आ गया है फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यही है कि ये हमारा जो अपडेट है ये हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पेज पर वापस जा करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ये बटन का टेक्स्ट चेंज हुआ है या नहीं। देखिए हम अपने पेज पर आ चुके हैं, अब इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए रिफ्रेश करते ही देखिए
यहाँ पर हमारा ये जो ऐड टू कार्ट वाला जो बटन था ये हमारा एनरोल नाउ वाले बटन पर चेंज हो गया है। देखिए इसी तरह से जैसे ही आप किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करिएगा, तो चलिए हम देख लेते हैं ये सिंगल प्रोडक्ट वाले में ये बटन चेंज हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारे सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज से भी ऐड टू कार्ट वाला बटन जो है ये एनरोल नाउ वाले बटन पर चेंज हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो फिर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah.